बदलापुर में स्कूल के अंदर बच्चियों से दरिंदगी मामले में आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने खुद ही संज्ञान लेते हुए सुनवाई की है। और इस दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि ये आम बात हो गई है, जब तक भारी विरोध ना हो तब तक मशीनरी काम ही नहीं करती है। सुनवाई के दौरान कोर्ट में जज बहुत गुस्से में नजर आए और सवाल उठाते हुए कहा कि ये घटना 13 अगस्त को हुई और 16 अगस्त को FIR और 22 अगस्त को स्टेटमेंट रिकॉर्ड क्यों किया गया। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर ऐसा लगा कि मामले को दबाने की कोशिश हुई है तो किसी के भी खिलाफ एक्शन लेने में हिचकेंगे नहीं। जस्टिस रेवती मोहित डेरे और न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई की है। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 27 अगस्त को रखी है। तो बदलापुर के एक स्कूल में 13 अगस्त को बच्चों के साथ घिनौनी वारदात हुई थी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी अक्षय शिंदे को गिरफ्तार कर लिया था और इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट सख्त है। तो बदलापुर कांड पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुलिस और सिस्टम को फटकार लगाते हुए सवाल उठाए हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक भारी विरोध ना हो तब तक काम ही नहीं होता, लोग सड़क पर आएंगे तभी गंभीरता से जांच होगी क्या। ऐसा लगा कि मामले को दबाने की कोशिश हुई तो बड़ा एक्शन। और 13 अगस्त की घटना, 16 को FIR, 22 अगस्त को स्टेटमेंट। संज्ञान में लेने के बाद दूसरी पीड़ित के पिता का बयान दर्ज हुआ। तो महाराष्ट्र के बदलापुर में बच्चे से छेड़खानी के मामले में बवाल मचा हुआ है। उधर MP और छत्तीसगढ़ से छेड़छाड़ के मामले सामने आए। रीवा के अस्पताल में सुरक्षा कर्मियों की लापरवाही के चलते लेडी टॉयलेट में घुसकर दो बदमाशों ने एक लड़की के साथ छेड़खानी की। हंगामा होने के बाद दोनों युवक फरार हो गए। मामला संजय गांधी अस्पताल का है। उधर छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में रामानुजगंज शासकीय कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य पर भी छेड़खानी के आरोप है। मामले में प्रभारी प्राचार्य के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। कॉलेज की छात्रा ने छेड़खानी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। और अब बात छतरपुर की, जहां पुलिस स्टेशन में पथराव की साजिश का खुलासा हो गया। मामले को लेकर जो सच सामने आया है वो हैरान कर देने वाला है। बताया जा रहा है कि पूर्व सदर ने संदेश कार्ड भेजकर मुस्लिम समाज के लोगों को बुलाया था। समाज के लोगों को बुलाने का संदेश कार्ड भी सामने आया है। ये कार्ड हजारों मुस्लिम परिवारों तक पहुंचाया गया था। इसके बाद थाने में हजारों की संख्या में लोग पहुंच गए थे। दरअसल मुस्लिम समाज के लिए शिकायत देने थाने पहुंचे थे ये सभी लोग। इस दौरान लोगों की भीड़ में कुछ ऐसे लोग भी दिखाई दिए जिनके पास हथियार और पत्थर थे। तो ये 3 तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, कैसे आखिर छतरपुर में ये बवाल हुआ था। एक शिकायत लेकर पहुंचे थे पर्टिकुलर समुदाय के लोग, लेकिन वहां पर धीरे धीरे हजारों की संख्या इकट्ठी हो गई और पुलिस ने जब देखा कि लोगों के हाथों में पत्थर हैं तो फिर पुलिस ने गेट बंद कर दिया और उसके बाद जो एक्शन हुआ वो स्क्रीन पर। प्रदर्शन, पथराव, अब एक्शन। पुलिस फोर्स ने भी रिटेलिएट किया, कुछ 2-3 अश्रू गैस के गोले भी छोड़े, भीड़ को तितर बितर किया। इन लोगों ने 50-60 की मात्रा में पत्थरबाजी की। अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। शांति के प्रदेश में अशांति नहीं, कानून से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। छतरपुर में थाने पर पथराव के आरोपियों पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। आरोपियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया है। बुधवार को हिंदू समाज के एक महंत के बयान से नाराज मुस्लिम समाज के लोग थाने में शिकायत करने पहुंचे थे। इस दौरान लोगों की संख्या धीरे धीरे बढ़कर हजारों में पहुंच गई। भीड़ में कुछ लोग पुलिस को हथियार और पत्थर के साथ नजर आए, जिसके कारण पुलिस ने सुरक्षा को देखते हुए थाना परिसर का मेन गेट बंद कर दिया। TI आवेदन लेने के लिए बाहर आए कुछ लोगों ने पथराव शुरू कर दिया, जिसमें TI समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर पुलिस ने मामले में 46 आरोपियों पर नामजद FIR दर्ज की है। 150 अज्ञात आरोपियों पर भी केस दर्ज किया। 10 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। कुल 16 धाराओं में दर्ज किया गया है केस। आरोपियों की तलाश के लिए की गई छापेमारी। कल जो घटना हुई उसके बाद में लगभग 150 से अधिक लोगों पर FIR दर्ज हुई है
और उसमें सख्ती से सख्त कार्रवाई की जा रही है। कई लोगों को अरेस्ट भी किया गया है, कई लोगों को चिन्हित भी किया गया है। उसी के साथ प्रशासन, पुलिस, नगर पालिका सभी की टीम मिलकर के जो अवैध अतिक्रमण था उसको भी हटाने की पूरी मुहिम जारी है। लगभग करोड़ों की संपत्ति और चार मुख्य जो इसमें नामजद आरोपी हैं उन लोगों की संपत्ति पर अभी कार्रवाई हुई है। आगे भी सख्त से सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मामले को बहुत गंभीर माना था और तत्काल दोषियों की पहचान कर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, छतरपुर में दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जिसमें कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए हैं जिनके इलाज के लिए समुचित निर्देश दिए गए हैं। मध्य प्रदेश शांति का प्रदेश है, कोई भी सुनियोजित तरीके से कानून को हाथ में ले ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोषियों की जल्द पहचान कर कठोर कार्रवाई की जाए जिससे भविष्य में इस तरह की घटना ना हो। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है, जगह जगह छापेमारी की जा रही है। पुलिस के बड़े अधिकारी भी मामले पर नजर बनाए हुए हैं। छतरपुर से नरेंद्र सिंह परमार, न्यूज 18। और उधर अयोध्या में नाबालिग से गैंगरेप केस के आरोपी समाजवादी पार्टी नेता मोहित खान के खिलाफ एक्शन तेज हो गया है। इसी कड़ी में रेप के आरोपी मोहित खान का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स दहा दिया गया है। तीन बुलडोजर और एक पोकलैन बिल्डिंग को इन दोनों मशीनों ने मिलकर तोड़ दिया। दो मंजिला कॉम्प्लेक्स 4000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है जिसकी कीमत 3 करोड़ रुपए। प्रशासन का दावा है कि कॉम्प्लेक्स का एक तिहाई हिस्सा अवैध तरीके से बनाया गया है। अयोध्या में बच्ची से 12 जुलाई को रेप हुआ था और मामले में पुलिस ने सपा नेता मोहित खान और उसके नौकर राजू को गिरफ्तार किया था। तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर मोहित खान का ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था जिसको लेकर कहा गया है कि इसका एक हिस्सा अवैध तरीके से बनाया गया था और उसी पर यहाँ एक्शन लिया गया है। भोपाल में ईडी के खिलाफ ज्ञापन चौराहे पर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। जिला कांग्रेस कमेटी के प्रदर्शन में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी शामिल। व्यापम चौराहे पर प्रदर्शन के दौरान इनकी पुलिस बल से झड़प। इस दौरान पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। पहले कांग्रेसी ईडी दफ्तर पर प्रोटेस्ट करने वाले थे लेकिन पुलिस प्रशासन ने अनुमति नहीं दी और व्यापम चौराहे पर प्रदर्शन करने की अनुमति दी गई और बड़ी संख्या में कांग्रेसी व्यापम चौराहे पर एकत्रित होकर प्रदर्शन करने लगे। इसके बाद आगे बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने बैरिकेडिंग करके रोका तो झड़प हुई और वाटर कैनन का इस्तेमाल भी हुआ। इसके बाद एसडीएम ज्ञापन लेने पहुंचे। एसडीएम को ज्ञापन देने के बाद कांग्रेस ने प्रदर्शन को खत्म किया। और मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह ने प्रदेश कार्यकारिणी के पुनर्गठन को लेकर बड़ा बयान दिया है। पुरानी कार्यकारिणी की आलोचना करते हुए कहा कि पहले की कार्यकारिणी में लगभग 1000 पदाधिकारी थे जो केवल पद धारण कर घर बैठे रहे लेकिन अब नई कार्यकारिणी के गठन में केवल उन कार्यकर्ताओं को जगह मिलेगी जो वास्तव में पार्टी के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। उन्होंने साफ किया कि जिन कार्यकर्ताओं ने जमीन पर काम किया है उनके नामों पर विचार किया जा रहा है। उसके ऊपर हम परफॉर्मेंस देखते हैं कौन अच्छा काम कर रहा है तो परफॉर्मेंस को हम देखने के बाद सभी हमारे सीनियर लीडर से विचार विमर्श करके हम उसको करेंगे लेकिन उसके ऊपर हम ये जरूर देख रहे हैं कि कौन काम करने वाले हैं क्योंकि पूर्व में क्या रहा है कि कई हजार लोगों की कमेटी बनी हुई थी। हमारा एक संविधान के हिसाब से कमेटी छोटी होनी चाहिए, कमेटी के अंदर जो इफेक्टिव लोग